आपने अभी थोड़ी देर पहले चाय की बात की थी, ये मैंने सुना है महेंद्र सिंह धोनी जो है चाय बना के जो है पिलाया करते थे आपको, कुछ ऐसा भी ऐसी भी नहीं, कहानी? नहीं, 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 ऐसा नहीं था कभी नहीं पिलाई आपको चाय आज तक? नहीं, बनाते थे चाय, मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में हम एक टूर पे गए थे, वहाँ हमारे दोस्त थे, वहाँ खाना खा रहे थे, सब लोग खाना खा के कह रहे आज उनको चाय बनाने का शौक है, साक्षी के लिए भी चाय बनाया था जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला था। अच्छा, तो चाय में चर्चा ना बड़ी मज़ेदार होती है और उनको बड़ा मज़ेदार होता है, जब इलायची थोड़ा ठंड है तो लौंग, फिर अगर गला खराब है तो काली मिर्च, उसके बाद धोनी भाई के हाथ से तो थोड़ा भी हेलीकॉप्टर वाला जो उड़ता है ना वो, तो चाय के उसमें फूक आती है, तो मतलब उनको शौक है थोड़ा वो मेहमान नवाजी का, जैसे आरपी ने बोला मुस्कुराई अब लखनऊ में, तो समोसे चाय तो चल रहे ड्रेसिंग रूम में। आप व्यस्त तो कर रहे होंगे लखनऊ नहीं, जो चाय की चर्चा की ना, चाय बनाते बने और कई बार ऐसा होता ना कि ऑप्शन नहीं होता खराब बोलने का, हमेशा अच्छी बोल के पी जाते अच्छा ही बना है कि भाई बहुत अच्छी बनी है अपने उसमें एडजस्टमेंट करके पी जाते, पर चाय बनाने कई बार रहा हमने भी उनके चाय। आपके साथ हुआ है क्या ऐसा? ये पर्सनल एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे थोड़ा यहाँ पे। नहीं मतलब निजी तजुर्बा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बनाते हैं फैंस को, तो बता भी दिया होगा एमएस, मजा नहीं आया बता दिया होगा इसने पक्का, वो ठाकुर साहब है वो कुछ भी बोल सकते हैं, अरे मजा नहीं आया, थोड़ा अगली बार बेहतर बनाइए, अगली बार कुल्लड़ में भी देसी सीला मजा नहीं आया। चाय का खुद बहुत शौकीन है, चाय पसंद है उनको, तीन चार बच्चा भी पी सकते हैं दिन में, ऐसा कुछ नहीं है, और इलायची के साथ तो बहुत ही पसंद है।